Hey! Just shut up! अरे जल्दी चलाना, वो नजदीक ही है। ठीक है भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठी रहो। छोड़ दो। अरे stop, ये नहीं मानेगी। ए तू फास्ट चलाना यार, मुझे छोड़ दो। शट अप, जस्ट शट अप। हेलो, ए वहां सब रेडी है ना? यहाँ मंगलसूत्र रेडी है, हार भी रेडी और लड़की भी रेडी है। ये क्या हो रहा है? मैं बस 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। कुछ भी करके शादी हो जानी चाहिए, समझ गया ना? एक बात बताओ, कॉलेज में तो तुम हमेशा साइलेंट रहती हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे अलग ही नखरे दिख रहे हैं। आई एम सो सॉरी, तब तुम कौन हो ये मुझे पता नहीं था ना। मैं कौन हूँ जानते हो? ए, तुम कोई भी हो, मुझे उससे क्या। देखो, चुपचाप से बैठोगी ना तो ये हार शादी में यूज होगा, वरना तुम्हारी फोटो पर। उतरो। मैं नहीं आऊंगी। उतरो बोलो ना। चलो छोड़ो, चलो। क्या है ये? अंदर चलो। मैंने चलो, तुझे सॉरी बोला था। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? डर गई थी क्या? उस दिन कॉलेज में सब लोग साइलेंट बैठे थे, लेकिन तुमने मुझे आकर मारा था। वो हिम्मत मुझे पसंद आई, इसलिए इन दोनों की शादी में तुम्हारा विटनेस साइन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया। ए, उठो उठो उठो। आप नहीं होते तो मैं मर गई होती। मरने से कोई समस्या हल नहीं होती, ओके? थैंक यू सो मच। जस्ट बी हैप्पी। देखो बॉस, लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भागना ये मर्दानगी नहीं होती, अंडरस्टैंड? एनीवेज, इसे लाइफ लॉन्ग खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी, ओके? गुड लक मैन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मधु, ऋषि को क्यों मारा तुमने? मारा क्यों? हाथ में गन होती तो उसे जान से मार देती। हमारे कॉलेज में आके हमारे ही लेक्चरर को मारता है। अच्छा, और ये लेक्चरर, इसने क्या किया तुझे पता है? इस बुक को पढ़ोगी तो सिर्फ मार्क्स ही आएंगे, मेरे साथ ग्रेड शेयर करोगी तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए। इस बात को मैंने ऋषि को बताया। तुम ऋषि को नहीं जानती ना, स्टेट स्टूडेंट्स कॉलेज लीडर है वो। सिटी के किसी भी कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो, ऋषि अकेला वहां जाकर सॉल्व करता है। चलो चल के उसे सॉरी बोल दो। Cheers. स्पेशल क्या है और इतना सस्पेंस क्यों? क्या बताऊं मैं, एक ही लुक दिया था और 10,000 दे गई। कौन बे? विद इन 1 वीक उसे भगा के ले जाऊंगा। किसको बे? शंकर भाई की बहन को। है? क्या बात कर रहा था? मार डालूंगा तुझे। मार डालूंगा। भाई, क्या कर रहे हो आप? शंकर भाई की बहन के बारे में ऐसी बात कर रहा है? तेरे तो भाई, छोड़ूंगा नहीं तुझे। गणेश, क्या कर रहे हो भाई?
आप हटिए सामने से, ये मेरे हाथ से मरेगा आज। तुम ही इसे लेकर मेरे पास काम के लिए आए थे, फिर इसे मार क्यों रहे हो? भाई आपको कुछ पता नहीं है भाई। अब तू बताएगा भी किसने क्या किया? भाई भाई इसने अपनी बहन के बारे में बहुत गलत बात की है भाई। हाँ? मधु 2 लाख रुपए लेकर आओ। भैया ये तुम उसे दे दो। नहीं नहीं सर। ले लो, मेरी बहन का हाथ बहुत शुभ है, ले लो। सर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मेरे विश्वास करो, मुझे माफ कर दो सर। विश्वास, और वो भी तुम्हारे ऊपर विश्वास। आज तो तुमने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। भरोसा तोड़ने वाले का इस दुनिया में कभी कोई साथ नहीं देता। ऐसे गलती दोबारा मत करना, अगर करोगे तो अपने खुद की जिंदगी बर्बाद कर लोगे। पहले अपने आप पर विश्वास करो, दुखों से लड़ने का साहस रखो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में रहेगी। जाओ। कल पब में फुल एंजॉय किया, कल रिसोर्ट जाएंगे, तुम तैयार रहना। ओके। अरे फुल नाइट एंजॉय करेंगे, क्या बोलती हो? ठीक है। स्टॉप इट। तुम अपने आप को कॉलेज का स्टूडेंट समझते हो या किसी फिल्म का हीरो? हाथ हटा। फिर कभी मैंने तुम लोगों को इस तरह देखा? कंडक्ट सर्टिफिकेट में बैड कैरेक्टर लिख के दे दूंगा, कपड़ा सिलने का भी काम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम राइट जाओ। ठीक है सर। तुम लेफ्ट जाओ। ओके सर। एक्चुअली मुझे मिलिट्री में होना चाहिए था, आप क्या सोचते हैं? सर आपने कहा राइट जाओ और लेफ्ट जाओ, बैक जाकर वो फिर से मिल गए। मेरी आंखों के सामने नहीं मिले ना। हाँ? मेरे कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट्स होने चाहिए, लवर्स नहीं। राव का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब राव। वो कौन है जी? ये प्रिंसिपल श्रीनिवास राव। आप ही हैं? चलो बैठो। बाय भैया। चलती हूँ भैया। बाय। भैया चले गए। उस दिन के थप्पड़ का बदला लेने आ रहा है क्या? देखो उस दिन मुझे नहीं पता था उसने वैसा किया था। अरे क्यों मारे मुझे? मुझे क्यों मारे? अरे छोड़ो। क्यों बे? वहाँ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके यहाँ दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। ए, ले जाओ रे इसे। चल चल प्लीज छोड़ दो मुझे। ऐसे मवालियों से जरा संभल कर रहना। अरे चल चल प्लीज छोड़ दो। चुपचाप गाड़ी में चल। अरे अपना हिसाब अभी बाकी है, लेकिन जल्दी ही सेटल करूंगा। ओए! हाँ? हे यू! हाँ? मुझसे कुछ कहा? Thank you.
रवि एक बार गौरी प्लीज एक बार नहीं ना बस एक बार अरे प्रिंसिपल के राउंड मारने का टाइम हो गया है प्रिंसिपल प्लीज वो एक कौवा के जैसा है नहीं। उसे सिर्फ चिल्लाने का कुछ भी नहीं आता है मुझे कौवा बोलता है बताता हूँ हैं मेरी बात मानो इधर आओ तुम भी इधर आओ क्या बेटा मेरे को कौवा बोल रहा है जरा बता तो एक बार क्या कर रहा था सब्जेक्ट में डाउट था वही पूछ रहा था सब्जेक्ट में डाउट होगा तो झाड़ के पीछे पूछेगा मुझे तेरे सब्जेक्ट पे डाउट है सॉरी सर हम दोनों लवर्स हैं लवर्स मेरे कॉलेज की डिक्शनरी में लव शब्द नहीं है कॉल योर पेरेंट्स यस सर महाशय आप अपनी लड़की को कॉलेज में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो अच्छी जॉब करे या ये चाहते हैं कि वो रोमांस करे वेरी गुड मैंने जैसा कहा था वैसे ही किया ये ठीक कर रही है सर अब मुझे दहेज नहीं देना पड़ेगा क्या खाक सही किया इसने मेरे 50 लाख पर पानी फेर दिया पापा मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ हम दोनों शादी करना चाहते हैं नहीं करवाई तो भाग जाएंगे तुझे जो करना है कर जामर थैंक यू सर आपकी वजह से ये रिश्ता तय हुआ कार्ड भेजूंगा सर शादी में जरूर आइएगा क्यों बे सर मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ या शादी करवाने वाला ब्रोकर आपको डाउट है अगर आप अपने ऊपर डाउट करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ सर वो झाड़ इतना क्यों हिल रहा है कौन सा सर ओ तो चलो चलकर देखते हैं हाँ आओ दया भाई माफ कर दो भैया अगर गांव नहीं जाता तो ऐसा होता ही नहीं माँ कैसी है दया अच्छी है भाई कल से बहन को कॉलेज मैं लेकर जाऊंगा भाई ठीक है दया नमस्ते बहन चलो कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ जल्दी चलो बाय दया हाँ बाय चल स्टॉप द कार आई एम टेलिंग यू स्टॉप द कार स्टॉप हे जस्ट शट अप अरे जल्दी चलाना वो नजदीक ही है ठीक है भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होगा चुपचाप बैठी रहो छोड़ दो अरे stop, ये नहीं मानेगी ए तू फास्ट चलाना यार मुझे छोड़ दो शट अप जस्ट शट अप हेलो ए ए वहां सब रेडी है ना यहां मंगलसूत्र रेडी है हार भी रेडी और लड़की भी रेडी है ये क्या हो रहा है मैं बस 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं कुछ भी करके शादी हो जानी चाहिए समझ गया ना एक बात बताओ कॉलेज में तो तुम हमेशा साइलेंट रहती हो लेकिन यहाँ तो तुम्हारे अलग ही नखरे दिख रहे हैं आई एम सो सॉरी तब तुम कौन हो ये मुझे पता नहीं था ना मैं कौन हूँ जानते हो ए, तुम कोई भी हो मुझे उससे क्या देखो चुपचाप से बैठोगी ना तो ये हार शादी में यूज होगा वरना तुम्हारी फोटो पर उतरो मैं नहीं आऊंगी उतरो बोलो ना चलो छोड़ो चलो क्या है ये अंदर चलो मैंने तुझे सॉरी बोला था जल्दी आओ ऐसा क्यों कर रहे हो डर गई थी क्या उस दिन कॉलेज में सब लोग साइलेंट बैठे थे लेकिन तुमने मुझे आकर मारा था वो हिम्मत मुझे पसंद आई इसलिए इन दोनों की शादी में तुम्हारा विटनेस साइन चाहिए इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया ए, उठो 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 आप नहीं होते तो मैं मर गई होती मरने से कोई समस्या हल नहीं होती ओके थैंक यू सो मच जस्ट बी हैप्पी देखो बॉस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भागना ये मर्दानगी नहीं होती अंडरस्टैंड एनीवेज इसे लाइफ लॉन्ग खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी ओके गुड लक मैन ऑल द बेस्ट थैंक यू हेलो I'm sorry. मैंने खामखा तुमसे वैसा बिहेव किया वैसे हाँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या तुम किसी से प्यार करती हो क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं hey, इतना डर क्यों रही हो प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है देखो प्यार करो प्यार में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना मैं सॉल्व करूंगा ओके एनीवेज थैंक्स फॉर कमिंग सी या
हाँ वन सेकंड ना ए उसे सेफली ड्रॉप करना ओके यार ड्रॉप कर दूंगा हे अरे एंजॉय करो यार कम ऑन चलो बहन कुछ हुआ तो नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ ये देखो फ्रेंड की शादी है ये स्वीट लो लीजिए लो ना खाओ 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 ना अरे लीजिए मैं तो बेकारी घूम रहा हूँ हे अरे लो अरे अरे तुम भी लो ना शर्मा रहा है वहाँ पर देख भाई ये लड़की दुनिया में कहीं भी हो मैं इसे लेकर आऊंगा इतना रिस्क क्यों कॉलेज जाएगा मिल जाएगी हे यारे बच्चों के जैसे फोटो लेकर घूमने को कह रहा है वो शंकर कहाँ है ये पता मुझे मैं जाकर उसे खत्म कर दूंगा ए, चुप बैठ तेरी जल्दबाजी की वजह से ही तू जेल जाकर आया है ये खत्म करने का मैटर नहीं है डील करने का मैटर है ए, तू उसे प्यार से लाया जबरदस्ती ये नहीं जानता लेकिन वो मुझे यहाँ चाहिए ठीक है भाई उस लड़की को बीच में रखकर मैं शंकर के साथ खेल खेलूंगा तब जमाना देखेगा चल जा ठीक है भाई उसे उठाकर ले आएंगे ए, चलो ए, हाँ भाई ये फिर से लौट कर आएगा क्या ये बात अगर वो सुनेगा तो तुम यहाँ रहोगे क्या? मुझे क्या तुम लोग जो करना है करो ये मुझे इस कॉलेज के तो बिल्कुल नहीं लगते हैं उन लोगों को मैं देख लूंगी दया डोंट वरी संभल कर जाना हाँ आज का क्या प्लान है ठीक है प्लान मत बताओ जगह तो बता दो मुझे मैं अपने कार से जाऊंगी ठीक है आपके ही कार में चलते हैं चलिए आप लोग भी चलिए एक मिनट को रुको रुको मैं भी आपके साथ चलूं क्या नहीं तुम यहीं पर रुको मैं जाकर आती हूँ इस बार लड्डू नहीं हलवा लेकर आना हाँ ठीक है ए कविता गाड़ी में बैठो आज ऋषि का कोई दूसरा प्लान है कम ऑन ऋषि के साथ आप लोगों को कभी देखा नहीं बताओ कौन से कॉलेज के हो आप लोग ए, गाड़ी आगे बढ़ा ए, अरे हेलो मधु ऋषि को फोन कर हाय कविता बोलो तुम्हारा प्लान समझकर मधु किसी और की गाड़ी में बैठकर चली गई मुझे वो लोग ठीक नहीं लग रहे ऋषि वो लोग क्या करेंगे ये सोचकर मुझे डर लग रहा है प्लीज कुछ करो ऋषि प्लीज कुछ करो गाड़ी का नंबर देखा तुमने हाँ AP9963 ओके चलो मैं देख लूंगा ए रवि भाई गाड़ी को जरा गेस्ट हाउस में ले ले जरूरत है क्या जस्ट लीव मी क्या देख रहा है रास्ते से हटा उसे छोड़ो हाय गाड़ी हटा तेरे से बोल रहा हूँ गाड़ी हटा है सुनाई नहीं दे रहा है ओपो चल तेरी तो देख क्या रहे हो मारो इसे जाओ
अरे बाप रे, नहीं नहीं भाई भाई थोड़ा रुको भाई, अरे भाई भाई रुको, नहीं नहीं थोड़ा रुको भाई भाई, छोटा सा डाउट है। क्या है बे? ये लड़की आपकी लवर है ना? तुझे कैसे पता चला? आपके पंच में पावर देख के भाई। अच्छा हाँ? तो फिर और एक दूं क्या? अरे नहीं 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 भाई, क्यों अपना पावर वेस्ट कर रहे हो? अरे मैं खुद ही भाग जाता हूँ। तुम किसी की भी गाड़ी में बैठ जाओगी क्या? तुम्हारा प्लान है सोचकर। चलो आओ। बैठो। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। क्या हुआ बे? भाई हमारे सारे लोग उसके सामने कमजोर पड़ गए भाई, उसने एक एक करके सबकी धुलाई की भाई। हमने उसे गेस्ट हाउस लेकर जाएंगे ये प्लान किया था, तभी लड़की का लवर आकर इन लोगों को मारकर लड़की को लेकर चला गया भाई। आप हाँ बोलिए भाई, शंकर को, शंकर की बहन को और उसके लवर को, सबको एक साथ मार दूंगा। अच्छा इतना तड़प रहा है जेल में जाने के लिए? चल, कौन है वो? शंकर की बहन का लवर है? मेरे भाई को मारने वाला इतना बड़ा मर्द है? कितना बड़ा मर्द है ये तो पहले ही पता चल चुका है। ठीक है तो अब इसको बीच में रख के खेल खेलेंगे। हाय माँ। ए ऋषि। हाँ क्या पापा? जरा रुक, तुझे शादी की तैयारी करनी है। शादी? तेरा भाई यूएसए से आ रहा है, उसकी वापसी से पहले शादी करनी है उसकी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर गड़बड़ है। पापा इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप? टेंशन तो होगा ही ना। हाँ वो अभी आ रहा है तो अभी ही सही वक्त है उससे शादी की बात करने का। उसके अमेरिका जाने से पहले हम उसकी शादी करवा देंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ ओके, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और रही उसके शादी की बात तो मैं देख लूंगा। ओके तुम्हारी तरह ये भी तारीख ही दे रहा है? मेरा बेटा है जी, तो उसके अंदर मेरे गुण तो आएंगे ही ना। समझना क्यों रे, फिलहाल वही कंपनी है या फिर चेंज करने की सोच रहा है? फिलहाल तो नेक्स्ट मंथ तक वहीं पे हूँ। वही मैं भी सोच रहा हूँ। आजा बेटा आजा। वेलकम टू इंडिया। कैसे हैं आप? सफर कैसा रहा तुम्हारा? और तुम ठीक हो ना? मैं अच्छा हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अरे ये क्या, कितना तगड़ा भेजा था, इतना दुबला हो गया आया है। ये दुबला हो गया और मैं मोटा हो गया हूँ। मेरे बच्चों का खाना खाकर ही मोटे हुए हो। ठीक है तू जाकर फ्रेश हो जा। ऋषि तुम रुकना। Hey, तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता। 10 दिनों का टाइम है तुम्हारे पास। ऑलरेडी ये बात इससे मैंने बता दी है, वापसी से पहले तुम्हें शादी करनी ही है। अरे अपने रिश्तेदारों में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, किसी एक को पसंद कर लो फिर शादी करवा देते हैं। क्यों जी, ये क्या, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे रिश्तेदारों में ये कौन सुंदर सी लड़की है? अरे भगवान भूल गई, विद्याधर की बेटी, छुई मुई सी दिखती है। अच्छा वो लड़की छोटी सी, अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा है, इसका दिमाग मत खाइए। तू जा यार नहा ले जा। बेटा जल्दी जा। माँ खाना रेडी करो। हाँ, अरे मैं ये जाइए। चली गई। इस घर में तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। ए! क्या हुआ, कुछ सोच रहा है क्या? मुझे तो बता क्या चल रहा है तेरे मन में। मेरा एक ड्रीम है भाई। अपने होने वाली के सामने कैसे रहना चाहिए ये सब तो मुझे पता है। ओ। लेकिन उससे बात कैसे करनी ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें क्या है, किसी भी हीरोइन का रेफरेंस दे दे। ऋषि ये फिल्म नहीं है भाई, जिंदगी है। मेरी होने वाली कैसी होनी चाहिए ये तो पता है। पूरा वर्ल्ड घुमा, बहुत सारी लड़कियों को देखा मैंने, लेकिन कोई भी लड़की दिल में नहीं उतर पाई। तो इस जन्म में भी तेरी शादी नहीं होगी। हाँ बद्दुआ दे रहा है क्या मुझे? नहीं तो फिर क्या यार। लाइफ इज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हमें जो लड़की पसंद आती है उसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे बगल में ही रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। ए ब्रदर, अपनी आंखों से नहीं दिल से देखा कर। हे, तू तो कवि की तरह बात करने लगा, किसी के प्यार में पड़ गया है क्या? यस आई एम इन लव। हे कौन है वो, बोलना यार। ए मुझे दिखाएगा ना? अरे दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा।
लेकिन टाइम आने पर, ओके? मेरे बारे में सोच के क्या करेगा? तू पहले जाकर अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढ। ऑल द बेस्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट सब ओके हो गए सर, उन लोगों को भेज दूं क्या सर? भैया एक मिनट। ठीक है तुम लोग जाओ। ठीक है सर। उठिए ना। बोलो मधु, आज तक मैंने तुम्हें पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज तुम पहली बार मुझे छोड़कर कॉलेज के कैंप में जा रही हो। वहां पर संभल कर रहना, फ्रेंड्स के साथ और लेक्चरर्स के साथ रहना, अकेले नहीं रहना, सबके साथ खाना खाना, टाइम पर सो जाना, ठीक है ना? तुमसे अलग रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मेरी बच्ची। ठीक है ठीक है। प्लीज भैया। ठीक है जाओ। थैंक्स भैया। क्यों बेटा, जाना जरूरी है क्या? प्रोजेक्ट वर्क है भैया, कंपलसरी जाना ही होगा। ठीक है जाओ, जल्दी आ जाना। बाय चाचा। ठीक है बेटी, संभाल कर। डोंट वरी। बाय भैया। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। संभाल कर रहना। बाय। ए भाई, संभाल कर ले जाना। बिल्कुल भाई। बाप रे, कैसी लड़कियां हैं ये। हे हाय। एक मिनट। हाँ इट्स ओके। क्यों ऋषि, आज कुछ स्पेशल है क्या? अच्छे लग रहे हो। नहीं तो, आई एम जस्ट नॉर्मल। किसी को ढूंढ रहे हो लग रहा है। मैं? नो वे। ए, कुछ छुपा रहे हो ना? चलो नहीं, बताओ, बाबा, बताओ, नहीं, बताओ, मैं बताओ, किसी नहीं कर। जब तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो? चलो चुप कर काला बैगन कहीं का। ऋषि मैं एक मिनट में आती हूँ। या, ओके। यार ऋषि, तू भी सबकी नजर में अब किशन कन्हैया बन गया है। तू अपना मुंह बंद कर और जाना यार। सॉरी। यार एक भी लड़की अपने को लाइन नहीं दे रही है। मनहूस है तू, कोई ऐसी वैसी लड़की भी नहीं पट रही, इसीलिए मैं कहता था मेरे साथ मत आ। मुझे भी शौक नहीं है। टाइम क्या हुआ है? 10:30। सुन यार, हेलो, मेरा टाइम वर्कआउट हो गया। टाइम खत्म। 5 मिनट में तुम कॉलेज में नहीं पहुंचे तो राम मेरा वेट करता होगा। हेलो, हे राम, कहाँ पर हो? अगले 10 मिनट में तुम कॉलेज में नहीं आए तो मेरे लिए तनिष्क वेट कर रहा होगा। तनिष्क? हे तनिष्क, तुम कहाँ हो यार? अगले 15 मिनट में तुम कॉलेज नहीं पहुँचे तो मेरे लिए वरुण वेट कर रहा होगा। हेलो वरुण। सुनिए, ये चार लोग कौन थे? पहला वाला मेरा बॉयफ्रेंड, दूसरा वाला लवर, तीसरा वाला मेरा होने वाला पति, फिर वो चौथा वाला कौन है जी? चौथा वाला मेरा हस्बैंड। यार ये बता, न्यूज में मैंने कई बार सुना है कि ह्यूमन रेशियो में लड़कियों की पॉपुलेशन घट रही है, मतलब एडजस्टमेंट ऐसे होगा? ए मधु, कहाँ है तू? जल्दी आना यार, तेरे लिए ऋषि वेट कर रहा है। चेहरे पे लव सिग्नल्स है, आँखों में लव सिम्बल्स है। हाँ हाँ आ रही हूँ। आ जा जल्दी। ऑन द वे, आ रही हूँ। ओके बाय बाय। दया। हाँ बहन। कॉम्प्लेक्स के पास चलो ना। हाँ ठीक है। दया मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। लव ग्रीटिंग। लव ग्रीटिंग्स वहीं पर है। हेलो। हाँ बोलना। कहाँ है भाई? मैं क्या, अरे भाई मैं मेरी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई है भाई। I am in love। सच कह रहा है? अच्छा कहाँ देखा उसे? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। ओह तूने कहा था ना, आंखों से नहीं दिल से देखा। वैसे ही देखा, मेरे दिल को पसंद आ गया भाई। सुपर यार, यू आर रियली लकी।
तू जल्दी आजा, नहीं तो वो चली जाएगी। तू एक काम कर, उसके पास जाकर थोड़ा मैनेज करता रहे, मैं वहां जल्दी ही पहुंचता हूं। ठीक है, मैं वही करता हूं। मुझे टेंशन हो रही है, वो जा रही है भाई। अरे भाई, पहले उसके पास जाकर उसका एड्रेस फोन नंबर पता कर, मेरे वहां आते ही हम उसके घर पे चलेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे। तो फिर ठीक है, तू पहले जाकर उस लड़की से बात कर। ओके बाय। चलो बाय। हे कविता, ऋषि जा रहा है, जल्दी आना। आ रही हूँ, 5 minutes, I'll be there, 5 minutes, okay? Bye. कविता, I'll see you later. हाँ, okay, bye. Excuse me. क्या है? What? आपका एड्रेस। चले क्या दया? हाँ, तुम जाके कार में बैठो, मैं आता हूँ। कौन है वे तू? क्या सोच रहा था तू? कौन है? क्या समझता अपने आपको? एड्रेस चाहिए तुझे? एड्रेस चाहिए ना? एड्रेस चाहिए? एड्रेस लेगा तू? शंकर भाई, गांधीनगर के शंकर भाई की बहन है वो, नोट कर ले एड्रेस। दोबारा कभी आसपास भी नजर आए तो मार डालूंगा। हे कविता, कितनी देर लगा दी आने में? शॉपिंग कर रही थी। ऋषि कहाँ है? तेरे लिए वेट करते करते थक गया और चला गया। चला गया? चल छोड़, बस जा रही है, चल। ए, ये चोट कैसे लगी? ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा भाई, एड्रेस पूछा तो मेरा ये हाल हो गया। बता किसने मारा तुझे? कोई गांधीनगर का शंकर भाई है, बहुत मारा उसने। यहाँ शंकर कौन है बे? शंकर कौन है बे? शंकर आए तो उसे बोलना, ऋषि सिटी कॉलेज आया था उससे मिलने। वो आया, आपका नाम पूछा, मारा और चला गया भाई। वो आखिर है कौन रे? वो कोई ऋषि है भाई, सिटी कॉलेज का लीडर है वो। मुझे उससे मिलना है। शंकर भाई बुला रहे हैं। ए, वो कोई बहुत बड़ा तोप है? हिम्मत है तो उसे यहाँ आने को बोल। परसों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहन को कोई छेड़ रहा था तो मैंने उसे 2-4 वहीं लगा दिए थे। हो सकता है ये शायद उसी का आदमी हो भाई। हम ही जाएंगे, जगह फिक्स करो। अरे ऐसा मत करो यार, मेरे लिए तुम लोग क्यों खतरा उठा रहे हो? तुम समझ नहीं रहे, सिटी कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम साथ रहेंगे। तुम्हारे साथ ये सारे स्टूडेंट्स हैं। वो अपने आप को समझता क्या है? हम भी उसे दिखा देंगे कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। चलो ठीक है, चलो।
ए, इन गुंडे लोगों का दादा लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। अरे वो लोग तो जमीन या आसमान कहीं से भी टपक जाते हैं, इसीलिए तैयार रहना होगा। हाँ, ऐसा बहुत फिल्मों में देखा है। कुछ भी हो उसे छोड़ेंगे नहीं। चलना बस हो गया। शंकर, ऋषि, स्टूडेंट्स, फायर तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। करेक्ट, स्टूडेंट्स अगर सोचे तो कुछ भी कर सकते हैं। वही गुस्से में आकर दिमाग का उपयोग नहीं करते, कुछ करेंगे सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसका अंजाम जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। हमारे आदमियों को मारना गलत नहीं था? फिर मेरे भाई को मारना गलत नहीं है क्या? सर मेरे भाई ने एक लड़की को देखा, उसे वो पसंद आई, तो मैंने ही उससे कहा कि मेरे वहां आने तक तू उसे बात करो और एड्रेस पूछ ले। रोड पर आने जाने वाली अनजान लड़कियों से एड्रेस पूछना हमारी नजर में तो यह गलत है। एड्रेस मांगना अगर आपकी नजर में गलत है तो आई एम सॉरी सर। सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मेरे भाई का नाम है आकाश, यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपकी बहन को उसने देखा, वो उसे पसंद आई, तो अब वो उसे शादी करना चाहता है सोचकर उसने एड्रेस मांग लिया। आपकी बहन की शादी करवाने के लिए आप तो बहुत सारे रिश्ते देखेंगे, उस लिस्ट में मेरे भाई का नाम भी डाल दीजिए। एआर इंडस्ट्रीज के राम मोहन की फैमिली पूछेंगे तो आपको कोई भी बता देगा। प्लीज सर एक बार सोचिए। ठीक है। थैंक यू सर। अब इतना भी मत सोचो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाया लिखाया है, उसे जॉब में भेजने से अच्छा एक बार जाकर देखने में कुछ गलत नहीं है। आइए सर। नमस्ते। नमस्कार। जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। जो होना था वो हो गया। कभी कभी किसी गलत काम से भी कुछ अच्छा हो जाता है। भूल जाइए सब कुछ। ये लीजिए। आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। आइए। बैठिए सर। आइए बैठिए प्लीज। आप भी बैठिए सर। हाँ। तुम लोग भी बैठो। नहीं सर ठीक है। अरे आओ बैठो बैठो, बैठ जाओ। थैंक यू। हमारी बेटी नहीं है, दोनों बेटे ही हैं। आपकी बहन को हमारी घर की बहू बनाकर भेजेंगे तो हम उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार देंगे। इस दुनिया में अगर मेरे पास कुछ है तो वो है मेरी बहन मधु, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ उसका भाई ही नहीं बल्कि माँ बाप सब कुछ हूँ। मेरी बहन जिस घर में बहू बनकर जाएगी वो घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। लेकिन आप सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह घर पहले से ही स्वर्ग जैसा है। तो शुभकाम में देर कैसी, इसी महीने का मुहूर्त निकलवाते हैं। आप लोग बात कीजिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। उसे मिस यू बोलने का चांस तो तूने मिस कर दिया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो। डू समथिंग। प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ये लो ऋषि को फोन करो। सर वो सब तो ठीक है। माँ, माँ आर यू ओके? रिंग जा रही है, आज तुम इसे बोल ही दो। कम ऑन फोन लो। अरे सुन जरा फोन कट कर। अब हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोन हो, कट नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए। हेलो। नहीं मुझे डर लग रहा है। तुम उससे बात करो, डरो मत।
ये लो रिंग जा रही है मधु, इस बार बात कर लेना। ये लो। वन सेकेंड। ओके। हेलो। हेलो। कौन? ऋषि। मधु। बात करो और बोलो। आई आई लव यू। व्हाट? आई लव यू। व्हाट? आई लव यू टू। आई लव यू टू। क्या हुआ, किससे प्यार है? नहीं वैसा कुछ नहीं है पापा। शर्मा रहा है? नहीं नहीं, जस्ट अभी वो उसका तो फिर ऐसा करते हैं, दोनों की शादी साथ में कर देते। ये क्या पापा, अभी शुरू हुआ और इतनी जल्दी शादी? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वैसा कुछ नहीं। चलिए चलते हैं चाचा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अच्छा लगा, ये शुभ कार्य तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी भी करोगे और वो मैं करवाऊंगा। चलता हूं। नमस्ते सर। या 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 हे छी या 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 अरे बाप रे बाप रे, फैमिली ड्रामा बोल कर ले आई, फैमिली कम लव ज्यादा, बेकार फिल्म। या 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 सिनो। हाँ एक भी सीन ठीक नहीं। सिनो 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 स्वीटी, स्वीटी, मुझे देखो सिनु, देखो ना सिनु, मैं तेरी स्वीटी, हे भगवान, ये क्या हो गया सिनु तुम्हें? मैं नहीं मिली इसलिए तुम पागल हो गए हो क्या? सिनु, मुझे देखो ना सिनु। ए, स्वीटी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा लड़का है? ये मेरा लवर है। लवर? तुम्हारा एक लवर है, तुम्हारी इतनी बड़ी लव स्टोरी है, तुमने कभी बताया नहीं? तुमसे जो प्यार करता है वो इसी तरह पागल हो जाता है क्या? अरे क्या है तुम्हारा फ्लैशबैक, बताओ तो। सीनू और मैं आप जिस कॉलेज में प्रिंसिपल की नौकरी कर रहे हैं उसी कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि हे भगवान। सर सर थोड़ा पानी दीजिए। ये लीजिए। ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? सर 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 आई एम सॉरी सर। थैंक यू जी। ये क्या सर, मैंने आपको धक्का दिया और आप मुझे थैंक्स कह रहे हैं? नहीं जी, आपके धक्का लगने से मेरा ये हर्ट फटाक से रुक गया था, लेकिन आपके टच करते ही ये प्यार से ऑन हो गया आपके प्यार के लिए। उठाओ ना। बाय। एक्सक्यूज मी। हाँ? आपका नाम? स्वीटी। स्वीट जो हो। आपका नाम? मिर्ची वाला सीनो। तो क्या आप तीखे हैं क्या? यस, स्वीट और हॉट दोनों मिलेंगे तो जोड़ी सुपर हिट। ऐसा क्या? हाँ। बाय बाय। उस दिन साइकिल और स्कूटी जैसे टकरा गई, हमारा दिल भी वैसे ही टकरा गया। तुम्हारा इतना बड़ा दिल होगा तो कोई भी धक्का देकर चला जाएगा। इसे ऐसे छोड़ोगी तो कहीं भी टकरा के मर जाएगा बेचारा। तुम्हारे प्यार की वजह से बेचारा विदाउट सिम के सेल जैसा हो गया है। इसे लेकर चलेंगे, एक्टिवेट करेंगे और इसे 4G बना देंगे। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं जी?
कर तो सकते हैं, तुम जो बोल रही हो उसमें मुझे डबल मीनिंग दिख रहा है। चाचा, सिम डबल रहेगा तो भी मीनिंग सिंगल रहेगा। हां तो फिर ठीक है, चलो चलिए चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज सर आप बहुत जल्दी आ गए, क्यों? तुमने टिफिन खाया या नहीं ये देखने के लिए। सर स्वीटी। सर ये कौन है, नई लेक्चरर है क्या? ये मेरी वाइफ। और ये कौन है? मेरी वाइफ का लवर। सर कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बार मुझे भी इसी तरह कंफ्यूजन हुआ था। मेरी वाइफ के प्यार में ये पागल हो गया है। इसका पागलपन दूर करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। पहले तो प्यार करने वालों को आप पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज तो आप लव गुरु बन गए हो सर। वैसा कुछ नहीं है, आज से मैं इस कॉलेज में लवर्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सर, तुम भी मत करना। ठीक है सर। सबको प्यार में डूब जाने दो। हाँ सर। आओ, तुम लोगों का थोड़ा फ्लैशबैक याद करेंगे, रोमांस करेंगे। आ जाओ। लव स्टार्ट हुआ, ओके। ये डेवलप कैसे हुआ? मैं जहाँ कहीं भी जाती थी तो मेरे पीछे आता था सीनू। हाय। उसे देख रही हो, बहुत दिनों से लाइन मार रहा है, उसकी शक्ल देखो तो जरा। हाँ यार, मुझे भी बहुत दिनों से लाइन मार रहा है ये। हाय। हाय। देखा तूने कैसे मुझे फॉलो कर रहा है, रोज ऐसे ही करता है। हम जा रहे हैं, अब तू ही इसे देख। हाँ यार, तू ही इसे संभाल अब, चल बाय। वो सब पे लाइन मारता है ये सुनकर मैंने उसे मारा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सिर्फ मुझ पर ही लाइन मार रहा था। तब से मेरे दिल में भी प्यार स्टार्ट हो गया। ऐसे ही उस समय भी तुम दोनों ऐसा ही करते थे ना, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? उसे भी खिलाओ। बहुत बढ़िया, इसी तरह अच्छा लग रहा है। फिर से खिलाओ खिलाओ। याद आ रहा है? ए जी, आइसक्रीम तो खत्म हो गई, लेकिन इसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। अब आप ही कुछ कीजिए ना जी। ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ। क्यों चाचा, ये सब क्या है, कोई खास बात है? हाँ बेटी, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया है, फटाक से ओके कर दिया। वो लोग आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। सर, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो ओल्ड एज होम का मैटर सक्सेसफुली सेटल हो गया है सर। अब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लीगल इलीगल हम देख लेंगे। रुको, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सफर से आई हूँ ना। कोई और बात तो नहीं है ना? जाओ अंदर जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। भाई आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका हर फैसला बिल्कुल सही होता है, आप सब लोगों के बारे में सोचकर ही निर्णय लेते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर।
हे मधु, तुम्हारा होने वाला दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लगता है तेरे लिए ही बना है। आ, तू भी देख ले। क्या हुआ, नहीं देखना? देख ले मधु, देख लेना। देख, ऋषि, 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 आजा चलते हैं, कम। क्या हुआ मधु? भैया। क्यों शंकर, क्या बात है, आज तो बेटी बड़ी चहक रही है। जाइए चाचा। बैठ जाओ। आइए बैठिए। भाई बहुत अच्छी जगह रिश्ता जोड़ा है तूने। थैंक्स। अच्छा देख, दुल्हन सिर्फ तुझे ही नहीं मुझे भी पसंद आनी चाहिए, तभी ओके होगा, नहीं तो शादी कैंसिल हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? बहु लक्ष्मी जैसी है। आ जाओ बैठो। क्यों भाई, कैसी है? तुम्हें पसंद आई क्या? हाँ पसंद आई। पंडित जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्रीमान शंकर जी की सहोदरी चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती मधुमिता नाम की कन्या के साथ श्रीमान इंद्रघट कुमार राव के परिवार के प्रथम पुत्र चिरंजीवी आकाश नाम के पुत्र के साथ रिश्ता इस शुभ मुहूर्त में तय किया जा रहा है। तांबूल और श्रीफल भेंट कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
ए, है तो वो ऋषि का ही भाई ना। अरे कहाँ हो तुम लोग, इस कंप्यूटर के युग में प्यार और बलिदान की बात करते हो। हे, युग चाहे जो भी हो, इंसान के भरोसे पर ही उसकी जिंदगी आधारित है। युग बोल रहे हो, इंसान बोल रहे हो, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, मधु की शादी मेरे भाई के साथ ही होगी। तो तूने फैसला ले लिया? हाँ यार, मुझ पर उस परिवार का बहुत बड़ा कर्ज है। तुम लोग जैसा सोच रहे हो, मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं। मैं तो एक अनाथ था और दर दर भटक रहा था, तो मुझे उन्होंने घर लाया और सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। उनका कर्ज इस जन्म में चुका पाऊंगा ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है। उन लोगों के लिए मेरा प्यार क्या यार, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूं। हे, वो परिवार और उन लोगों के अलावा मुझे कुछ याद नहीं रहता। भाई की शादी तो मधु के साथ ही होगी, होकर ही रहेगी। और हां, तुम लोगों में से किसी ने भी कुछ बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोस्त हो। चल। क्या हुआ सिनू जी? इधर ही जी, इनकी साइकिल और मेरी स्कूटी टकराई थी। ओह, हनुमान सर, साइकिल और स्कूटी रेडी है? स्वेटी, बिल्कुल पहले जैसा ही करेंगे। ठीक है सिनू, साइकिल से तुम, स्कूटी से स्वेटी, तुम दोनों आपस में एक दूसरे से टकराओगे। चलो, उस दिन जैसा हुआ था उसे याद कर लो, आपस में चिपक जाओगे, फिर तुम दोनों की लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाएगी। चलो 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 चलो, सिग्नल मिलने लगा है इसे। इसका सिम भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपका सिग्नल कट हो जाएगा। अपना मुंह बंद कर रहे। ए, सब सुन लो, आज शंकर के घर में शादी नहीं होगी, वहां लाशें बिछेंगी। ये काम नहीं होने वाला है। ए ऋषि, क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ये क्या कह रहा है तू? हाँ यार, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्लीज, अपने पास टाइम नहीं है, जल्दी चल चलना। तुम लोग यहीं पर रुकना। जल्दी आ। ये क्या है? सही टाइम पर आए, कैसी है ये लड़की? ए, इधरा, क्या है ये सब? हाँ, तू तो बड़ा त्याग का मूर्ति है ना, तू जिससे प्यार करता है उससे मुझे शादी करके खुश रहने के लिए बोलता है। तूने ही कहा था ना कि आंखों से नहीं अपने दिल से देखा कर, तेरे कहा अनुसार करने की कोशिश की मैंने। एक दिन फिर मैं इस लड़की से मिला, अनाथ आश्रम में रहती ही है, दिल से पसंद आ गई, फिर शादी कर ली मैंने। हाँ लेकिन, हाँ लेकिन, लेकिन क्या? क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ? अगर ऐसा पागलपन किया ना तो याद रखना, बहुत मारूंगा मैं तुझे। तुम हम सबसे जितना प्यार करते हो भाई, कोई नहीं कर सकता। ठीक है हो गया हो गया, यहां आंसू आंसू नहीं, चलते चलो। अंदर लेकर आ। माँ,
हे, ये क्या हो रहा है? एंगेजमेंट किसी और लड़की के साथ और शादी करके ले आए किसी और लड़की को? पापा, मैं आपको बाद में सब बता दूंगा। आप भाई। अरे पापा, लेकिन परसों जिस लड़की से मेरा एंगेजमेंट हुआ था उसे ये प्यार करता है। हा? और ये बात मुझे बाद में पता चली। ये अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहता था और मेरी उसे शादी करवाना चाहता था। ये सब जानने के बाद मैं कैसे कर सकता था? ऊपर से मैं अनाथ हूँ, इस घर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने दोस्तों से कह रहा था ये। जब मुझे इसके दोस्तों ने सारी बात बताई तब जाकर के मुझे पता चली। आप बताइए, मैंने कुछ गलत किया? ये सब क्या सुन रहा हूँ? पापा, बात ये है कि क्यों बेटा, तो मेरी कोख से पैदा नहीं हुए इसलिए इतना बड़ा त्याग देने चले थे ना? हमने तो हमेशा ही तुझे अपने सगे बेटे जैसा पाला है, फिर तू क्यों ऐसा सोचने लगा? माँ, क्यों किया ऐसा, बोल। ये बता, हमारी खुशी के लिए तू अपना बलिदान करेगा, ये हम बर्दाश्त कर पाएंगे? अरे हम तेरे लिए पराए हैं क्या? कभी तुझे सगे बेटे से कम माना है? नहीं पापा। तो फिर क्यों ऐसा किया तूने? तू हमारा सगा बेटा है, दिल तोड़ कर रख दिया तूने आज। I'm sorry, पापा। I'm really sorry। मुझे माफ कर दीजिए। Sorry। तुम दोनों ही हमारे बेटे हो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं भी जाकर उसके भाई से बात करके आता। आप क्यों पापा? मैं बात करके आऊंगा, आप पहले नहीं अंदर ले जाइए। जा। ठीक है। आ जा बेटी। जा बेटा। ये क्या कह रहा है तू? मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, सगाई उसने हमारी बहन से की है, लेकिन वो शादी किसी और के साथ कर चुका है। एक बार हाँ कह दो भाई, मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तूने जो कहा अगर वो सच है तो तू नहीं मैं उसे मार डालूंगा। रुक जा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? हाँ बेटा, उस दिन थाली अदला बदली होने के बाद मधु, क्या हुआ बेटी? चाचा। मधु, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, बोलो ना, बोलो। क्या किया तूने बेटी? एक बार तो तुझे अपने भैया को बताना चाहिए था। वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं मानता है बेटी, तो फिर वो तुम्हारे प्यार को नहीं मानेगा क्या? रुको, मैं अभी जाकर उसे सब बताता हूँ। रुकिए चाचा। चाचा जो इतने दिनों तक सम्मान से जीता आ रहा है, उसे मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम। प्लीज प्लीज। यही सच है। मधु, मधु, इतनी बड़ी बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? आपके प्यार के सामने मेरा प्यार बड़ा नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए भैया। <भाईया। laughs>
निकाल कर दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है बहन, तुम जिससे प्यार करती हो उसे मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। कौन हो तुम लोग, ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? मेरे शंकर भाई की बहन के साथ सगाई करने के बाद दूसरी लड़की से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आकाश चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलो, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। आपके आदमियों ने ही तो ये सब किया है, अब क्यों आए हैं यहाँ? हेलो ऋषि बाबू, उस शंकर के लोगों ने आकर हम सबको मारा है, भैया को भी चाकू से मारा है। आईसीयू कहाँ है? यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट साइड में घूम जाना। ठीक है। परिवार को कुछ भी हुआ नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
शंकर उस काम का क्या हुआ बेटा? अब शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए चाचा। आप ये क्या बोल रहे हो? उसने आपके ऊपर हाथ उठाया था। मुंह बंद कर। अपनी बहन के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस शहर में लोग आपको देखकर झुक झुक के नमस्कार करते हैं। आपके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और वो कल का बच्चा ऋषि, उसकी हिम्मत देखो, उसने आपके ऊपर हाथ उठाया। मैं उसी वक्त उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। मेरी जान चल रही है, मेरी जान चल रही है। मधु, मधु, मधु बेटी, बेटी, मधु, दरवाजा खोलो। मधु बेटी, मधु, बेटी मधु, दरवाजा खोलो बेटी, बेटी, बेटी मधु, दरवाजा खोलो बेटा, मधु, शंकर। बेटी मधु, क्या हुआ तुम्हें? चाचा, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे भैया पर हाथ उठाने वाले का मैं कभी चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं नहीं समझूंगी। हाँ बोलिए भाई, उसे छोड़ेंगे नहीं। हम उसे जान से मार देंगे। सोच कह रहे हैं, जल्दी बोलिए। रुको, गलती की तुम लोगों ने, उसे जिंदा छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसे जान से मार देता, उसकी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला देता। लेकिन वो गलत नहीं है, अपनों का घाव देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। हम लोगों ने उसे कहा मारा भाई? आपके बोले बिना हम लोगों ने कोई काम किया है क्या भाई? भाई आप कहना क्या चाहते हैं भाई? तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं? तो फिर उसके घर में जाकर शंकर भाई का आदमी हो बोलने की हिम्मत किस में है? कौन है वो? अच्छी तरह चाकू घोप रहा था, सारा प्लान खराब कर दिया। लेकिन हाँ, प्लान के मुताबिक किसी को तो मरना ही है छोटे। समझ गया। माफ कर दो। ठीक है, ए भूखना, तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। तुम लोग कल ब्रेकअप कैसे हुआ? हमारे घर पे इस बात का पता चला तो मेरे भैया ने मुझे सीनू को घर पर बुलाने के लिए कहा, और तब ऊपर देखने के बाद भी याद नहीं आ रहा है। क्यों सिटी, अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसी क्या टेंशन हो गई? घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। ये तो रूटीन है। मेरा भाई मारेगा। वो भी रूटीन ही है। हम लोग भाग जाते हैं। ये तो वैरायटी है। ओके, गाड़ी तुम चलाओगे या मैं चलाऊं? अगर मैं चलाऊंगा तो रूटीन, और अगर तुम चलाओगे तो वैरायटी। ओके ठीक है, बैठ जाओ। क्या हुआ? मेरे भैया। स्वीटी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस लफंगे के साथ मत घूमा करो? ये तो रूटीन है, इसीलिए तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। ये भी रूटीन है। अगर उससे शादी की तो रूटीन होगा, इससे करूंगी तो वैरायटी होगी। जिसे मैंने देखा है वो शेर के जैसा लंबा लड़का है, और ये बंदर के जैसे बौना है, और वो मिल्क व्हाइट, और ये ब्लैक एंड व्हाइट। उसका डेमिनेटेड फेस और इसका डैमेज फेस। मुझे ये डैमेज फेस वाला ही चाहिए। मुझे भी ये स्वीटी डार्लिंग ही चाहिए।
मेरी वैरायटी क्या है दिखाता हूँ। जाओ जाओ, आप कुछ भी कहिए, मैं इस बौने से ही शादी करूंगी, इसी से ही करूंगी। आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, मैं अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलूंगी। बड़े भाई हुए तो क्या हुआ, मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। ये कहाँ गया, कहाँ चला गया? उस दिन से मुझे मेरा सिनू नहीं दिखा। ओके, सेम टू सेम, फिर से वैसे ही करेंगे। तुम दोनों लवर्स की तरह एक्ट करो, मैं तुम्हारे भाई की तरह। हाँ? बहना, तुम्हें कितनी बार बोला इसके साथ मत घुमा कर, तेरी शादी फिक्स हो गई है। उससे शादी करूंगी तो रूटीन होगा, इससे करूंगी तो वैरायटी होगी। ओह, तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो लौकी की तरह बड़ा है और ये भिंडी की तरह बौना है। मेरा चुना हुआ लड़का एकदम व्हाइट और ये ब्लैक एंड व्हाइट, उसका डोमिनेटिंग फेस और इसका डैमेजिंग फेस। मुझे ये डैमेज फेस वाला ही चाहिए। अगर मेरे हिसाब से शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी बहुत सारी वैरायटी दिखा दूंगा। मैं इस बौने से ही शादी करूंगी, इसी से ही करूंगी, इसी से ही करूंगी। तो फिर भाग जाओ इसके साथ। क्यों, बराबर एक्टिंग किया ना? सीनू, स्वीटी, चल भाग, चल। अरे वो सच में भाग रहे हैं सर। चल 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 चल। अब रोकर क्या फायदा, आप ही ने तो उन्हें भगाया। अरे सर देखिए वो कितने आराम से भागे जा रहे हैं, सर रोकिए उन्हें, रोकिए। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ये सब किया। कौन रहेगा उसके साथ, उसकी तो। अरे कोई है यहाँ पे, इसे पागल खाने लेकर के जाओ। अरे 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 क्या कर रहा है, जा, अरे जा 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 उधर जा, उधर जा। लगता है एक नई स्टोरी शुरू हो गई। भाई वो ऋषि के फ्रेंड्स हमारी बहन को उठा कर ले गए भाई। ओए ओए ऋषि, क्या बात है सर? तुझे पता नहीं क्या बात है? हे हे ऋषि, आप मार क्यों रहे हैं सर? बेटा ऋषि, आप एक मिनट रुकिए पापा, क्या बात है सर? स्टॉप इट, पहले ये बताइए आप मार क्यों रहे हैं? कहां है मेरी बहन? तेरे फ्रेंड्स उसे लेकर गए हैं ना, कहां है मधु? मेरे फ्रेंड्स लेकर गए हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? हे, अभी तक अपने बीच में छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, इसे बड़ा मत कर। नहीं सर। तूने मेरी बहन को क्यों उठवाया है बोल? वो मेरी बहन नहीं, मेरी जान है। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी बहन को ले जाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये सब मैंने नहीं किया। मेरे आदमियों को मार कर मेरी बहन को उठा कर ले गए, ए दया। बता इसे। सर एक मिनट, मेरे दोस्त लेकर गए हैं क्या? हाँ? तुम लोगों का इतना ख्याल रखने वाला इंसान है ये, तो इनकी मासूम बहन के साथ क्या किया है तुम लोगों ने, बोल, सच बोल। हाँ? दया बोल, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऋषि और आपके बीच में अगर मैं झगड़ा नहीं करवाता तो नागा मेरे बीवी बच्चों को मार डालता।
आपसे गद्दारी की है भाई, मुझे मार दो भाई, मुझे मार दो, मार दो। कहां मिलेगा मुझे वो नागा? वो शंकरपल्ली की पुरानी फैक्ट्री में है भाई। सर आप टेंशन मत लीजिए, मेरा बेटा गया है ना, वो उसे अपने साथ लेकर ही आएगा, भरोसा रखिए उस पर। शंकर चल। ये पीछे चल। हमने जैसा प्लान किया था शंकर को वैसे ही खत्म करेंगे। ए, ये फालतू आइडिया किसने दिया बे तुझे? तेरा और शंकर का झगड़ा तुम लोगों को आपस में देखना चाहिए, तो उसमें मुझे क्यों खींचा? मेरी फैमिली को, मेरी लवर को, आई मीन इस लड़की को, इन्हें इन्वॉल्व करना गलत है। गलत है ना? गलत है ना? तो फिर अभी क्या बोलता है बोल? विलन हीरोइन को उठा ले जाता है तो हीरो आकर उसे फाइट करके बचाता है, सही है ना? टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? उधर पूरी फैमिली वेट कर रही है यार। चल आजा, 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 चल जल्दी। चल 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 मेरे साथ। ए, लड़की को बीच में रखकर ऐसे फालतू काम करना बंद कर दे, और हो सके तो इंसान बन जा। आगे से अगर मुझसे पंगा लिया ना। वो लोग आ गए। भैया तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर आपकी बहन वापस आ गई है, यहां सब लोग खुश हैं। इस मौके पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। किसी समय आपकी बहन को बहू बनाने के लिए हमने थाली बदली थी, अब अगर आप कहें तो आपकी मधु और मेरे ऋषि का रिश्ता, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ये तो आप भी जानते हैं। मां चलो यहां से। अरे लेकिन चलिए पापा प्लीज। हाय
आइए अंदर आइए। अरे आइए आइए आ जाइए। Ha 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 ha